का लिक्विड है जो कई हजार साल पहले ऊपर से कहीं मेल्ट हुआ होगा और वो ऐसे जमते 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 आपको ऐसा हो गया है। अलग ही कुदरत की चीज मैंने देखी है अभी यहाँ पे केव में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ के लोगों ने शायद कभी नोटिस ना करी हो के बारे में। भाई बहुत ज्यादा एक रिसर्च करने वाली बात है, पहले तो मैं इसको पहले ऐसे ही समझ रहा था कि इसमें अलग सी एक पत्थर के ऊपर लगी हुई एक फंगस, मेरे को तो फंगस ही समझ में आ रही है। हो सकता है कुछ और तरीके का मटेरियल, देखने में बहुत ज्यादा जो है पुरानी, हजारों करोड़ों साल पुरानी। तो भाई ये कह रहे थे कि 5000 साल पहले ये जो जितने इसके अंदर आप स्टोन देख रहे हो ना पड़े हुए, ये 5000 साल पहले इसमें से टूट के गिर गए थे। और दूसरा, इसमें जो ये पानी है, ये कुछ तो ज़मीन का पानी है और कुछ वो पानी है। ओ पहले यार ये देखो, मैं समझाता हूँ आपको। वियर्ड सा बड़े मतलब अजीब सी फंगस है, क्या है यार ये समझ में नहीं आ रहा भाई। तो कुछ तो पानी जो है वो ज़मीन का पानी है, कुछ पानी जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो उसका पानी है, यानी इसमें से जो टपकता है पानी बर्फ़ का वो पानी है। ये पानी के बारे में ये था, इसलिए ये इतना ज़्यादा क्लीन पानी है। और ये गुफा 55,000 साल से भी यहाँ पर है, डायनासोर के ज़माने से ये गुफा यहाँ मौजूद है। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, गुफा के अंदर चीज़ें चेंज होती गई, पत्थर गिरते गए, टूटती गई, बनती गई, अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें होती रहीं। और अब जाकर इस गुफा ने ये शेप ले ली है जो आप अभी देख रहे हैं, अली साद केव, वर्ल्ड की बिगेस्ट वाटर केव। मैं भी अभी देख रहा हूँ और आप ये देखो। ऊपर से पानी भी टपक रहा है। तो भाई ये इधर की तरफ मतलब ये बहुत एशियंट केव है और इसके बारे में रिसर्च की जा सकती है और बहुत सारी चीज़। लेकिन फ़िलहाल जो है यहाँ से ये राउंड लेंगे पूरा और वापस जाएंगे। ये जो ऊपर जिस तरीके की पत्थर के ऊपर फंगस सी ये लगी हुई है ना, ये देखने वाली है अजीब सी, मतलब कुछ ब्लैक ब्लैक है। ये देखो ये यहाँ पर पूरा ब्लैक हो जाता है और उधर वाइट हो जाती है। और ये बहुत ही एशियंट मतलब डायनासोर के ज़माने से ये गुफा यहाँ पर मौजूद है। और ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और साथ में भाई ये चीज़ें भी बता रहे हैं कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं और इस तरीके से। तो लोग जो है वो यही चीज़ देखने आते हैं कि जो एशियंट ज़माने से ये गुफा पुरानी है। तो भाई ये इनके जो कह रहे हैं कि जो सफ़ेद और काला है ना, तो जहाँ जहाँ सफ़ेद है वहाँ पर अभी भी पानी है और जो काला है वहाँ अब सूख गया है, यानी वहाँ से अब पानी जो है पूरी तरीके से सूख गया है। आप देखो यहाँ पर मतलब टेम्परेचर बहुत कम है, मुँह से धुआं निकल रहा है मेरे तो। और ये देखो तो ये जो काला वाला पार्ट है यहाँ पर पानी सूख गया, और सफ़ेद वाले पार्ट में भी जब भी बर्फ़ जमती होगी तो यहाँ से पानी टपकता होगा। और लोग इसके बारे में भाई बहुत ज़्यादा एक रिसर्च करने वाली बात है, पहले तो मैं इस गुफा को ऐसे ही समझ रहा था कि इसमें ऐसे कुछ नहीं है। चलो चार मास सिर्फ पिया दे रहा भी चुना से इस पति भी से शास्त्र पांच चा पेल दे पेन तो है पिया दे रहा भी तो समझाऊंगा क्या कह रहे हैं भाई साहब। अच्छा भाई ये कह रहे हैं कि अब 200 मीटर बाद जो है वो हम लोगों को बोट से उतर जाना है और वहाँ से कुछ सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ियों से किसी और जगह जाना है, वहाँ पर देखना है कि वहाँ पर क्या है। फ़िलहाल अभी तक मुझे ये केव बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी,
जैसे मतलब जिन लोगों को हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उनके लिए ये गेम है देखने वाली चीज़ है यार। इसके अंदर मतलब गुफा के अंदर इतना ज़्यादा पानी, जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा कि वहाँ पे जो है समुद्र के अंदर गुफा होती है, गुफा के अंदर पानी होता है, उसके अंदर ट्रेजर ढूंढने जाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर कुछ देखने के लिए है। और उधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो लोगों की भीड़ लग रही है वहाँ से पूरा जो है लोग अब जो है वॉकिंग डिस्टेंस है किसी और जगह के लिए, वहाँ से हम अभी यहाँ पे उतर जाएंगे और उतरने के बाद फिर हम आगे की तरफ जाएंगे और आगे देखेंगे हम कि इसमें और क्या ऐसा इंटरेस्टिंग है जो हम देख सकते हैं। आप भीड़ देखें लोगों की, कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई। हाँ तो भाई बोट से हम लोग उतर गए, धीरे धीरे सभी लोग उतर रहे हैं बोट से और यहाँ से फिर एक वॉकिंग भाई साहब बहुत डर लगता है देखो ब्रिज। तो भाई यहाँ से जो है वॉकिंग डिस्टेंस है और वॉक करके हम लोगों को जाना है फिर। अब वो कहाँ तक जाना है वो पता लगेगा, ये देखो हम जा रहे हैं अब इधर की तरफ और पूरा घूम के यहाँ से जाएंगे आगे। फाइजा के पेरेंट्स हैं और आगे बताया गया है कि बहुत सारी सीढ़ी हैं और सीढ़ी चढ़ के हमें आगे कहीं जाना है। चीज़ें हैं देखने की केव के बारे में, ये बर्फ़ सा लग रहा है जैसे बर्फ है, लेकिन आखिर ये है क्या अभी तक मुझे भी समझ में नहीं आया। बस इतना बताए कि यहाँ से ये बर्फ सा है भाई, ये क्या है व्हाट اصلا خیلی اشکال قشنگ داره، بخوای دقت کنی خیلی قشنگه. तो यहाँ से आगे की तरफ हमें जाना है। अब ये सीढ़ी है, यहाँ से सीढ़ी है और इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर गुफा में जाना है हमने। नोटिस फॉर विजिटर, द नंबर ऑफ एग्जिट स्टेप्स आर 180 एंड नंबर ऑफ रिटर्न स्टेप्स आर 142। इसका मुझे समझ तो आया नहीं। सीनियर सिटीजन पैसे, सीनियर सिटीजन इट्स हाउ दे रिटन सीनियर सिटीजन, व्हाई व्हाट इज दैट एज, हां सीनियर सिटीजन साइन, नो इट इज अ रॉन्ग ट्रांसलेशन बिकॉज़ हियर इन पर्शियन इट इज रिटन दैट for those people who has a heart like this thing, जो यार बुजुर्ग लोग हैं जिनको कोई दिक्कत है उनके लिए ये है और जो हमारी तरह जवान है तंदुरुस्त उनके लिए ये है। तो अब हम ऊपर जाएंगे और ये ऊपर का wish to come to Hamadan, he must, he or she must take a visit. तो फायजा के फादर कह रहे हैं कि जो भी दुनिया का जो भी बंदा है मैदान आता है आएगा वो अली सदर के ज़रूर आए। मैं इसको देखता हूँ ये है क्या, आई डोंट नो, इट्स काइंड ऑफ लुकिंग लाइक आइस। मैं और फायजा ऊपर आ रहे हैं जा रहे हैं और उसके पहले नीचे फोटोग्राफी कर रहे हैं। Yeah, they have to. यहाँ से फायजा की मदर और वहाँ खड़े हैं फायजा के फादर, चल रही है फोटोग्राफी। देख रहे हो कितनी ह्यूज केव है भाई ये। Skeletons? Yeah, maybe. You want to find those? और ऊपर चलते हैं, हो गई बहुत सारी फोटोग्राफी और देखते हैं ऊपर जाके ऐसा और यहाँ पर क्या है।
जिसको हम देख सकते हैं और आपको दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि इस गुफा के अंदर, खैर गुफा बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी गुफा है यार ये, इसीलिए इसको सबसे बड़ी वाटर केव कहते हैं। वेरी खेली बहुत बड़ी। और यहाँ पर जो है, अच्छा यहाँ से जो है लोग बाबा उसको बहुत वर्ड बहुत पसंद आएगी बहुत। अब यहाँ से ये यहाँ का हाईएस्ट पीक पॉइंट है और ये नीचे पूरी केव है, ह्यूज केव। और इधर की तरफ मतलब अभी हम सेंटर में हैं केव के, ये जो है केव का सेंटर है। ये देखो हज़ारों करोड़ों साल पुरानी गुफा भाई, ये आप सामने देख रहे हो, ये एक तरीके का लिक्विड है जो कई हज़ार साल पहले ऊपर से कई मेल्ट हुआ होगा और वो ऐसे जमते 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 अब वो ऐसा हो गया है और वो ऐसा दिखने लगा है। देख रहे हो आप इतना, मतलब ये भी कुदरत का एक अजीब ही चीज़ है, आपने शायद अभी देखी होगी। देखो ओ भाई ये देखो, ये एक अजीब ही तरह की एक फंगस है, देख रहे हो आप, मैं और पास से दिखाता हूँ, मतलब ये अजीब ही तरह की कोई फंगस है क्या है, ये सब एक अलग ही कुदरत की चीज़ मैंने देखी है अभी यहाँ पे केव में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ के लोगों ने शायद कभी नोटिस ना करी हो ये चीज़। यहाँ पे मैं आपको एक क्लोज से दिखाता हूँ, ये अलग तरीके की एक मतलब फंगस है, आप पास में जाके देखो। तो भाई ये मतलब अलग सी एक पत्थर के ऊपर लगी हुई एक फंगस, मेरे को तो फंगस ही समझ में आ रही है, हो सकता है ये कुछ और तरीके का मटेरियल हो, कुछ और तरीके का चीज़ हो जो जिसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखने में बहुत ही ज़्यादा जो है पुरानी, हज़ारों करोड़ों साल पुरानी है ये। और दोस्तों ये देखो आप कुदरत की अलग ही नज़ारे, बिल्कुल अलग नज़ारे हैं कुदरत के, देख रहे हो आप। ये देखो यहाँ पर देखो ये कितना मतलब सुंदर, एक कुदरत का खुद ही बनाया हुआ एक अद्भुत नज़ारा है यार, ये बेहद खूबसूरत भाई। जिन लोगों को ठंड लगती है उनके लिए यहाँ पर देखो हीटर भी रखा हुआ है, हीटर रखा हुआ है यहाँ पे जिन लोगों को ठंड लगती है। ये इस केव का सबसे हाईएस्ट पॉइंट था और यहीं से आके पूरी केव के जो है दर्शन हो जाते हैं, दीदार हो जाते हैं, देख जाती है। और फिर इसके बाद फिर हम नीचे आ जाएंगे और अभी आगे देखते हैं थोड़ा सा और ज़्यादा यहाँ का मार्केट देखते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये केव जो है कितने हज़ार साल पुरानी है, एग्जैक्टली कितनी डेट है। और इस केव में जो चीज़ें मिली हैं अभी तक हैं उन सभी के बारे में मैं आपको जानकारी अभी देता हूँ। ये देखो यार ये कुछ अलग सी ही चीज़ है, ये ऊपर से मिट्टी गिरी और यहाँ आके जम गई है ऐसा लगता है इसमें। यहाँ पर इस तरीके से ट्रैफिक भी लग जाता है, देखो ये देखो। अब हम वापस जा रहे हैं और यही था अली सद केव के बारे में, लेकिन अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं जैसे कि यहाँ का मार्केट और शायद कुछ और भी चीज़ें जो बाहर निकलने के बाद हम देखेंगे। और मेरे साथ फैजा के फादर बैठे हुए हैं। It's so cold. Yeah, so nice. तो अभी हम पहुँचते हैं और फिर मार्केट देखते हैं, मार्केट में जो चीज़ें हैं वो
ऐसी ही है, मतलब जिस तरीके से केव है, एंटीक चीज़ें मैंने अब मार्केट में देखी हैं, लेकिन हम लोग वहाँ रुके नहीं थे, तो फिलहाल अब रुक के वहाँ पर देखेंगे। तो भाई अब अली सद केव का टूर कंप्लीट हो पाया यहाँ पर, और अच्छी खासी केव है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है, और अब हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं जहाँ में जैकेट दे देंगे। तो दोस्तों अब अली सद केव के बाहर हम लोग आ गए हैं, और बाहर की तरफ है मार्केट, और अभी वहाँ का मार्केट देखते हैं कैसा है। तो भाई यहाँ पर ये इस तरीके के रेस्टोरेंट होते हैं, और कि केव के पास ही हैं, और यहाँ पर ऐसा कुछ बैठने का है जहाँ पर अब हम लोग बैठेंगे और ऑर्डर करेंगे।